अनुपम खेर अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। अनुपम खेर चंडीगढ़ में एक बुक लॉन्च के लिए आए थे, लेकिन सामने जो पत्रकारों के सवाल थे उस पर बहुत कुछ अनुपम खेर ने कहा। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने लखनऊ के ऐशबाग रामलीला कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय श्री राम नारे का बचाव किया है। चंडीगढ़ में एक बुक लॉन्च कार्यक्रम के दौरान खेर ने मोदी का बचाव करते हुए कहा कि जो जहां होगा उसी तरह की ही तो बात करेगा। प्रदेश के प्रधानमंत्री जय श्री राम बोलते हैं तो अच्छी बात है, क्यों हमारे जय श्री राम हमारे भगवान नहीं है क्या, प्रॉब्लम क्या है? और अगर दशहरा के दिन जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे? तो बहुत अच्छा किया उन्होंने जय श्री राम बोले, बल्कि क्यों हम बाकी त्योहारों पर सत श्री अकाल जो बोले सोने हाल नहीं बोलते हैं क्या, इन द नेम ऑफ गॉड नहीं बोलते हैं क्या, अल्लाह अकबर नहीं बोलते हैं क्या, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये तो सवाल अपने आप में ही है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को छोटा दिखाने की कोशिश है आपके सवाल में, जबकि ऐसा तारीफ करनी चाहिए आपको। एंड इस मंच पे बहुत अच्छी बात हुई अगर उन्होंने बोला है, आई डोंट सी एनी इंटरप्रिटेशन देना पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, एंड आई हैव नो इंटरेस्ट इन इंटरप्रेटिंग द पॉलिटिकल करेक्टनेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय कंट्री इफ ही सेड जय श्री राम आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑन अ राइट ओकेजन। ही डिड नॉट गो टू एनी अदर फंक्शन एंड सेड समथिंग लाइक दैट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव हैपेंड। सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल पर भी अनुपम खेर ने बात कही और कहा कि सेना पर हमें गर्व करना चाहिए। When an army officer in his full uniform announces something on national media, that is the biggest truth. पाक वाला ये बोल रहा है, वो वाला ये बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर ये बोल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी वाला ये बोल रहा है, मेरे लिए वो बेमायनी बातें हैं। एक हमारे जो हैं ऑफिसर वर्दी में तमगे लगे हुए और सारे नेशन से बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को सर्जिकल स्ट्राइक करके नेस्तनाबूद कर दिया, मेरे लिए वो सच उससे बड़ी लकीर कोई नहीं हो सकती। अनुपम खेर ने जेएनयू में मोदी के पुतले दहन पर भी बोला और कहा कि मीडिया को इन खबरों से परहेज करना चाहिए। जो बाकी जगह होता है वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दे नो दैट द न्यूज पीपल विल, हमारी बात जो एक छोटे से इलाके में हो रही है, हम 10 लोग खड़े होके कर रहे हैं, आप लोग उनके बसियां हैं, आप लोग उनके मैसेंजर्स हैं, आप पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या भावनाएं राष्ट्रभक्ति की देशभक्ति की, आप में से कौन से चैनल वाले जो हैं उन 19 लोगों के जिन जो शहूरी में शहीद हुए थे उनके पेरेंट्स के घर गए, किसी ने अपने आप में से किसी ने उनकी स्टोरी की नहीं की, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आई एम नॉट ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ से दैट टू ब्लेम मीडिया, मीडिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एवरीथिंग, बट आई थिंक बिकॉज दीज पीपल दैट .0.0.1% नो that some channel or the other, some reporter or the other will come to us and take this small incident to the rest of the world. So let's do it. If you people ignore him, then I don't think it's important. They are not important people. हमारे घर में, घरों में ऐसा होता है ना, एक भाई निकलता है जो बहुत अच्छा होता है, एक भाई जो खराब निकलता है, तो वो होता है, हम तो आप हमें तो आ जाते हैं, तो वो हमारे भाई लोग हैं मगर भटक गए हैं, थोड़े सरक गए हैं, उनको बेचारों को सरकने दीजिए ना, आप क्यों आप परेशान होते हो, उनको छोड़ दीजिए उनके हालात पर, उनके पास कैमरा लेके मत जाइए, उनके पास ये पेपर लेके मत जाइए, जो इस कोने में वो कर रहे हैं कुछ इस किस्म के लोग जिनको कुछ हो गया है, आप उनको इग्नोर करिए, बिकॉज दे नीड टू बी इग्नोर्ड एंड पिटीड, दैट्स ऑल। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी विजयदशमी के दिन लखनऊ के ऐशबाग पहुंचे थे, जहां 500 साल से रामलीला मंचन होता आ रहा है। यहाँ मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम के उद्घोष से की थी। भाषण के समापन में भी उन्होंने यही नारा लगाया था।